वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल मरकज़ नौहर सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान पर क्लिक करें वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुक्रिया। अज़ीज़ाने गरामी, कुर्बानी हमने कर दी है, कुर्बानी हमने अल्लाह की बारगाह में कर दी है। मैं मसाइल नहीं बता रहा क्योंकि सब जुमे में हो चुके हैं। लोग पूछते हैं कि मौलाना साहब कुर्बानी क्या हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं क्या, ये पूछते हैं लोग फोन कर करके। सुनिए, हमारे मजहब ने हुक्म दिया है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी हो उनके साथ अच्छा सुलूक कीजिए। आपके घर के अंदर दो रोटी बनी है, मेरा मजहब मुझको तालीम देता है कि एक रोटी खुद खाइए, दूसरी रोटी अपने भाई को भेजिए। इसी तरीके से कुर्बानी का गोश्त ये भी एक हदिया है। अगर हमारा गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस में हमारा भाई रहता है तो उसका ज्यादा हक है। बाकी अगर हमारा कोई दोस्त है गैर मुस्लिम, कोई मिलने वाला है, आप उसको कुर्बानी का गोश्त खूब खिलाइए, शरीयत की तरफ से इसकी इजाजत है। और इसी तरीके से कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से सबने सुने, मुस्तहब है कि तीन हिस्से किए जाए। देखिए, मेरा मजहब ये तालीम देता है कि अरे तुम खुशी के मौके के ऊपर घर के अंदर जानवर जिबा कर रहे हो, लेकिन अकेले मत खा जाना। तुम्हारे शहर के अंदर, तुम्हारे गली के अंदर, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर तुम्हारे गरीब भाई भी रहते हैं, उनका भी ख्याल करना है। इसलिए मेरा धर्म उसको तालीम देता है कि तू घर के अंदर खुशी के मौके के ऊपर कुर्बानी कर रहा है, इस कुर्बानी के एक हिस्से को गरीबों के घर तक भी पहुंचाना है, गरीबों के घर तक भी पहुंचाना है। अब क्या करते हैं साहब, पूरा का पूरा जानवर जिबा किया और पूरा का पूरा फ्रिज में पैक कर दिया। गरीब का हक खा गए हम, रिश्तेदारों का हक खा गए हम, मुस्तहब के खिलाफ अमल हमने किया। आप अपना हिस्सा जो है, तीन हिस्से अपना लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और गरीबों के लिए। आपका जो हिस्सा अपने हिस्से में आ रहा है, आप उसको चाहे महीना रखिए, दो महीने रखिए, साल भर तक रखिए, अपना हिस्सा रख सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा बकरा ही आपने फ्रिज में पैक कर दिया, गरीब को एक बोटी तक ना दी, पड़ोसी को एक हवा तक ना लगने दी, ये गैर मसनून तरीका है, बेहतर तरीका नहीं। इसी तरीके से